हमारे पास एक पेट है जिसका नाम रूसी है, वो पिटबुल ब्रीड है, बेसिकली बिच है। तो सर को काफ़ी देर से मैंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था और इनके सर्विसेज, इनका जो व्यूज़ हैं, इनके जो विजन्स हैं एनिमल्स को, पेट्स को बेसिकली लेके, बहुत अच्छे लगे। तो सर के साथ ही रजिस्टर किया डॉग को मैंने, माइक्रोचिप का भी सर ने ही मेरे को सर्विस प्रोवाइड किया, जो कि बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। एक साल का, कोई पाँच साल का डॉग किसी को फ्री एडॉप्शन कर रहा है, लाइफ में चेंजेस ऐसे आते हैं। तो मेरा निवेदन पहले ये है कि आप हमेशा जब भी कोई पेट लो, पहले आपका घर कितना बड़ा है उस हिसाब से डॉग लीजिए, फिर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या काम है, क्या पढ़ रहे हो, कहाँ काम कर रहे हो, सडनली कोई बात आ गई वो मैटर अलग है, लेकिन फिर भी 5-7 साल का प्लान जरूर रखिए। बाकी सर से मैं भी बोलूँगा, ये बहुत टफ मोमेंट होता है, लेकिन इनके पास सिर्फ 1-2 महीने का ही गैप है, कभी कभी किसी को देना पड़ता है डॉग, तो उस आप क्या सजेस्ट करोगे उस केस में? पहले बस अपना, जब भी लाइफ में ऐसा कभी टर्न आए तो वो बंदे को पहले ही तैयार कर लो जिसने आपने डॉग को देना है, ताकि वो इंट्रोड्यूस हो एक नहला, क्योंकि बहुत टफ हो जाता, साफ सुथरा रखना, खान पान रखना, उसके आगे से घुमाना, वॉक, बर्तन उठाना, टॉयज देना। तो कभी भी जब डॉग डरता है ना, डरने के समय फिर डॉग अटैक करता है। डॉग अटैक क्यों करता है, इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। एक सबसे बड़ा रीजन होता है जब डॉग डरता है और अनकंफर्टेबल सिचुएशन में होता है, तब डॉग अटैक करता है। सत श्री अकाल फ्रेंड, कैसे हो आप? होप यू डूइंग ग्रेट माय फ्रेंड। आज हमारे साथ एक स्पेशल स्टोरी, हम आपको ये कवरेज कर रहे हैं, एक डिफरेंट टाइप ये वीडियो है। पहले आपको मिलाते हैं सिंह साहब, क्या नाम है आपका? तनवीर। तनवीर सर कहाँ से सर? अमृतसर से। अमृतसर से, तो कैसे आना हुआ यहाँ पर, पूरी बात बताइए। सबसे पहले तो बताना चाहूँगा सारे व्यूज़ को कि सर के साथ मेरा मिलना हुआ 1 साल पहले, जब मैं इनका चैनल फॉलो किया, और हमारे पास एक पेट है जिसका नाम रूसी है, वो पिटबुल ब्रीड है, बेसिकली बिच है। तो सर को काफ़ी देर से मैंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था और इनके सर्विसेज, इनका जो व्यूज़ हैं, इनके जो विजन्स हैं एनिमल्स को, पेट्स को बेसिकली लेके, बहुत अच्छे लगे। तो सर के साथ ही रजिस्टर किया डॉग को मैंने, माइक्रोचिप का भी सर ने ही मेरे को सर्विस प्रोवाइड किया, जो कि बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। मेरे को ज़्यादा भटकना नहीं पड़ा किसी चीज़ के लिए, सारा सर ने गाइड किया था और इनकी टीम ने। और अब जब वो पेट मेरे साथ हो गया, 1 साल 8 महीने का हो चुका है, मैंने खुद ही उसको ग्रो किया है और अपने घर पर रखा था। अब क्योंकि जॉब की वजह से मुझे अब्रॉड जाना पड़ रहा है, तो उसके लिए भी मैंने सर को फ़ोन किया, और फर्स्ट एंड लास्ट कॉल मेरा सर के साथ ही था। मैंने प्रॉब्लम शेयर किया तो सर ने अपना, जैसे कि सपोर्टिंग हैंड होता है एक बड़े भाई का, वो बढ़ाया मेरे को पास कि मैं खड़ा हूँ तेरे साथ, तो दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली अब मैं अब्रॉड जा रहा हूँ, वहाँ पे जहाँ जा रहा हूँ तो वहाँ पे अभी इसके लिए अप्रूवल्स नहीं है, वहाँ पे थोड़ा रहने सहने का थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ेगा ताकि इसको एक और बात भी ऐड कर दूं। एक तो ये सर यहाँ पर अकेले, इनकी फैमिली पूरी अब्रॉड है, फैमिली। और जिस कंपनी में ये काम करते हैं, जिनके जिसके द्वारा ये जा रहे हैं, वहाँ पर भी अभी पेट की पूरी अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। तो जो 1-2-3 महीने का गैप है, वो ये आपको बताएंगे कि वो मेरे पर भी जिम्मेवारी छोड़कर गए हैं, उसका रख रखाव सारा कुछ वो मैं कर रहा हूँ अपने फार्म में, होस्टलिंग टाइप चीज कर रहा हूँ। और बाकी सर ने जो कहा उसका थैंक यू, मैं हम बट जस्ट वी आर डूइंग अपनी ड्यूटी। बाकी एक और सर से मैं पॉइंट ऑफ व्यू ये लेना चाहता हूँ, जैसे इनकी लाइफ में ये तो एक सडनली टर्न आ गया ऐसा कुछ कि यहाँ पर कोई नहीं है और फिर फैमिली सारी अब्रॉड है, और इनकी कंपनी का भी कह लो कि इनको ड्यूटी एक कहो रैंक बढ़ाकर कह दो कि प्रमोशन हुई है, अभी ये अब्रॉड जाकर काम करेंगे। अगर आप कभी भी पेट लेते हो तो हमेशा 10-12 साल उसकी उम्र होती है, वो बैकअप एक प्लान, जहाँ आपकी लाइफ में कभी ऐसा टर्न हो जाता। आप अक्सर हमारे वीडियोस देखते होंगे कि कोई 1 साल का, कोई 5 साल का डॉग किसी को फ्री एडॉप्शन कर रहा है, लाइफ में चेंजेस ऐसे आते हैं। तो मेरा निवेदन पहले ये है कि आप हमेशा जब भी कोई पेट लो, पहले आपका घर कितना बड़ा है उस हिसाब से डॉग लीजिए, फिर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या काम है, क्या पढ़ रहे हो, कहाँ काम कर रहे हो, सडनली कोई बात आ गई वो मैटर अलग है, लेकिन फिर भी 5-7 साल का प्लान जरूर रखिए। बाकी सर से मैं भी बोलूँगा, ये बहुत टफ मोमेंट होता है, लेकिन इनके पास सिर्फ 1-2 महीने का ही गैप है, कभी कभी किसी को देना पड़ता है डॉग, तो उस आप क्या सजेस्ट करोगे उस केस में? बेसिकली जो मैंने फील किया है कि इनके भी इमोशंस होते हैं और ये बहुत ज़्यादा आपके साथ अटैच होते हैं, आप भी हो जाते हो, जैसे अभी मैं हुआ, मेरी फैमिली थी, तो बहुत मुश्किल समय रहा है ये हमें, चाहे अपने घर वाला माहौल है, फिर भी उसके लिए भी थोड़ा सा होगा, मेरे लिए भी थोड़ा सा रहा, पर क्योंकि पीछे कोई नहीं है तो ये स्टेप लेना पड़ा उसके बेटरमेंट के लिए।
जब आप पहले छोड़कर गए थे तो मेरे को बताया था कि खान आपने, मैंने दो दिन और मेरे सिस्टर ने भी दो दिन हमने खाना नहीं खाया घर पे, किसी ने खाना नहीं खाया। और जैसे लेट्स सपोज ये कुछ एरियाज ऐसे थे घर पे, जैसे छत है हमारी, वहाँ बहुत टहलती थी, तो दो तीन दिन ऐसा हुआ कि मेट ने चाहे वो दरवाज़ा लगा दिया, मेरे से खुला ही नहीं। तो दो तीन दिन हम लोग भी उस चीज़ से बाहर नहीं आए, हमारे पास अभी वो थोड़ी देर के लिए हमारा पेट नहीं है। तो सर ने बिल्कुल सही कहा कि उसका बैकअप प्लान आप रखें, बिकॉज ये जो पेन है ये अननेसेसरी पेन है जो हम अपने आप को भी देते हैं और अपने पेट को भी, वो अनइंटेंशनली पेन से गुजरना पड़ता है जब वो बिछड़ता है अपने ओनर से या अपने मालिक से, अपने केयर टेकर से। तो सर ने बिल्कुल सही कहा है, जब भी आप किसी पेट को ओन करने का डिसीजन लेते हो, साथ में 5-6 पॉइंट्स को पहले ही माइंड में रखें, 5-6 साल का या उसके एरियाज का, उसके रख रखाव का, उसकी अच्छी ट्रेनिंग और उसके डाइट का, उसको सोशलाइज भी करना है, उसको टाइम चाहिए बेसिकली आपका। और पेट आपसे कुछ नहीं मांगता बेसिकली, वो आपसे सिर्फ टाइम मांगते हैं, जो कि फिर हम ये नहीं कह सकते कि हमारी जॉब है, हमारी स्टडी है, वो तो सबका रहता ही है, बट ये थोड़ा सा पहले से अगर आप सोच कर रखोगे तो आपके लिए और अच्छा रहेगा, आपके बेटरमेंट के लिए। और कोई बात शेयर करना चाहते हैं? और बस ये है कि जितना हो सकता है इन सब, ये बोल के नहीं बता सकते अपनी फीलिंग्स, आपको ही समझनी पड़ेंगी। हमें भगवान ने ब्लेस किया, हमें ब्रेन दिया है, हमें जुबान दी है, हमको बोल के किसी को कुछ भी बता सकते हैं, ये नहीं बता सकते हैं। तो इनको थोड़ी सी ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। अगर आपका डिसीजन है तो बहुत अच्छा है, गो अहेड विद योर डिसीजन, बट बाकी के पॉइंट्स को भी साथ में ध्यान में रख के। और एक और बात, जब भी आपको कभी लाइफ में ऐसा अपना पेट किसी को देना पड़े तो सडनली मत कीजिए, जैसे अभी अभी एक हफ्ता हो गया शायद उसको ना, अभी 10 दिन हो गए मैंने दिया, और बीच में पहले ट्राई किया कि एडजस्ट करेगी कि नहीं करेगी। दो तीन बार सर से मैंने मिलवाया भी है, लेके आया हूँ, और वो सर के साथ जब फेमिलियर हो गए, पहचान लिया भी हम, ये इनको रेगुलर मिलते हैं, ये अपना ही बंदा है कोई, तो फिर थोड़ा सा और फेमिलियर हो गए, तब हमने सर को हैंड ओवर किया। सडनली जब आप करोगे तो उसके बहुत सारे नेगेटिव साइंस आते हैं, जैसे खाना नहीं खाना, डिप्रेशन, तो फिर वही जो चीज़ें हैं उसको फिर मेडिकल जाना पड़ेगा, उसका इलाज चलेगा। डॉग आपका हेल्दी रहता है जब तक उसके फीलिंग्स का आप ख्याल रखते हो, और उसको आपसे कुछ नहीं चाहिए। बस जब भी आपको कभी ऐसा डिसीजन लेना पड़े उसके पहले ही आप उस पर्सन से उसको इंट्रोड्यूस करवाइए, और एक दो दिन बाद छोड़कर देखिए खान पान रहन सहन क्या है, तब वो डॉग भी फिर वहाँ अडॉप्ट करने के सिचुएशन को, वो पूरे घर को अडॉप्ट कर लेता है बड़े आसानी से, और आपको भी काफ़ी हेल्प हो जाती है, एक कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ मैंने अपने पेट को, अपने फैमिली मेंबर को सही हाथों में या सही जगह छोड़ा। और अभी जो मेरा डॉग है सर के साथ पूरा फेमिलियर है, सारी उसको खाना खिलाते हैं, सारी केयर सर के साथ ही है, मैं बीच में आ रहा हूँ मिलने के लिए क्योंकि हमारा एक अपना अटैचमेंट है, और अगर मैं कहूँ अभी तो मेरे से ज़्यादा सर के साथ अटैच हो गई है। बिल्कुल, तो वो चीज़ इसलिए हुई है कि सर के साथ दो तीन बार मैंने मिलवाया है और उसको एक साल से मिल रहे हैं सर रेगुलर बेसिस पे, तो ये चीज़ तभी पॉसिबल हो पाई है। अगर सडनली होता तो उससे ज़्यादा सर के लिए प्रॉब्लम हो जाती है ख्याल रखने के लिए, उसको खाना नहीं खिलाना और खाना खाया नहीं, तो दोनों साइड देखना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। कभी कभी कोई जैसे पिटबुल है ये बहुत फ्रेंडली है, क्यों घर में रहा है, फैमिली में पला है, कभी कभी कोई ब्रीड, नॉट टॉक अबाउट पिटबुल रॉटवाइलर, कभी कभी शांत सी ब्रीड पग, पग की जब आप नई जगह जाएगी तो लेब्रा कह लो, वो भी शांत होते हैं, वो भी नई जगह जाएंगे, आप उसके आगे खाना रखने से पहले डरते हो, वो गुर्राते हैं, तो ऐसी सिचुएशन ना आए पहले, बस अपना जब भी लाइफ में ऐसा कभी टर्न आए तो वो बंदे को पहले ही तैयार कर लो जिसका आपने डॉग को देना है, ताकि वो इंट्रोड्यूस हो एक नहला, क्योंकि बहुत टफ हो जाता है साफ सुथरा रखना, खान पान रखना, उसके आगे से घुमाना, वॉक, बर्तन उठाना, टॉयज देना, तो कभी भी जब डॉग डरता है ना, डरने के समय फिर डॉग अटैक करता है। डॉग अटैक क्यों करता है, बहुत सारे रीजन होते हैं, एक सबसे बड़ा रीजन होता है जब डॉग डरता है और अनकंफर्टेबल सिचुएशन में होता है तब डॉग अटैक करता है, तो आपको वो चीज़ों को हटाना है पहले ही फेमिलियर करवा कर। बाकी आपको अभी फार्म में ले चलते हैं, ये सरकार आई थिंक अभी अब्रॉड जाएंगे, लास्ट विजिट है, दो बार पहले आ चुके हैं और अभी देखते हैं रूसी कैसे इनको वेलकम करती है। सर थैंक यू।